फैसला लिया गया है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। ये एक पाथ ब्रेकिंग फैसला है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो किसानों की जमीन है, भूमि है, मिट्टी को स्वस्थ रखने की और केमिकल रहित प्रोडक्ट से इंसानों को स्वस्थ रखने की। इसीलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज फैसला लिया गया है, और ये फैसला साथियों पुराने कई फैसलों की कड़ी में है। 22-23 में एक और थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया कि गंगा जी के किनारे दोनों साइड 5-5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर लिया गया, उस कॉरिडोर में नेचुरल फार्मिंग हो, केमिकल रहित फार्मिंग हो। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, करीब करीब देश भर में 10 लाख हेक्टेयर के आसपास नेचुरल फार्मिंग यानी प्राकृतिक खेती के द्वारा किया गया। तो आज जो मिशन लिया गया इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा, और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा, 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। और बहुत ध्यान रखा जा रहा है कि जो विलिंग फार्मर्स हैं, जो विलिंग पंचायत हैं, उनको आगे लाए, और एक प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। ग्रीन एनर्जी के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा टारगेट लिया है, 500 गीगावाट का। तो आपने देखा किस तरह से सोलर में रिकॉर्ड की संख्या में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, किस तरह से विंड में नए पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ऑफशोर विंड का भी हाल ही में 3 महीने पहले अप्रूव हुआ पहला प्रोजेक्ट। आज 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव हुए हैं। पहला प्रोजेक्ट है हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में 240 मेगावाट का। ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और यारजेप रिवर है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा शियोमी डिस्ट्रिक्ट में। 240 मेगावाट का पावर प्लांट है, 1 बिलियन यूनिट साल का जनरेट करेगा ये। इस प्रोजेक्ट में 1939 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि अरुणाचल के लिए भी, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए भी, और भारत की जो ग्रीन एनर्जी की ट्रांजिशन है उसमें भी बहुत बड़ा इसका रोल है।